खबर मध्य प्रदेश के शहडोल से, जहां स्कूल बस ने एक अधेड़ को कुचल दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस घटना से गुस्साए लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। सिद्ध बाबा मंदिर में दर्शन कर लौट रहे स्कूटर सवार अधेड़ को स्कूल बस चालक रौंदते हुए फरार हो गया। घटना की जानकारी लगते ही परिजनों समेत स्थानीय निवासियों ने सड़क के बीच शव रख हंगामा करना शुरू कर दिया। हमारे बड़े भैया हैं, वो 8 बजे किसी काम से संजयनगर से अमलाई जा रहे थे और बीच रास्ते में एक मंदिर पड़ता है वहाँ पर माथा टेक रहे थे कि पीछे से एक स्कूल बस ने आके उनको ठोकर मार दी और सिर को कुचलते हुए आगे बढ़ गया, रुका नहीं हुआ। फिर उसके बाद आप लोग, हम लोग को फ़ोन आई, किसी शशमदीप ने हमको फ़ोन की कि आपके बड़े भैया एक्सीडेंट हो गए, तो हम वहाँ आए और देखे तो स्पॉट पर उनकी मृत्यु हो चुकी थी। घटना पर पहुंचे पुलिस अधिकारी व एसडीएम ने मौके की नजाकत को समझते हुए किसी तरह से मामला शांत कराया और शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों के हवाले कर दिया। नहीं, ये चक्का जाम तो नहीं किया इन्होंने, क्योंकि मृतक बीच रोड पे उसका शव रखा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, घटना स्थल है वो, तो ये मानवीय संवेदना है और यहाँ के लोग मानवीय संवेदना के नाते और स्थानीय मृतक होने के नाते एक मानवीय संवेदना रहती है, इस कारण लोग इकट्ठे हुए और लोगों की यही मांग थी कि कुछ इसको सपोर्ट मिले परिवार को। तो यहाँ की जो ऐसी कंपनी की संस्था है उन्होंने हर संभव करने का प्रयास किया है और तत्काल उनको करीबन 6,500 रुपये की मदद भी की।